वाराणसी से सूरज यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने देश के प्रधानमंत्री के द्वारा आज जनता को जो संबोधित किया और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने साथ ही बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले में संशोधन के बारे में बताया कि लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार की निर्माण समिति की बैठक में 15 अप्रैल से निर्माण कार्यों को पुनः प्रारंभ करने के फैसले को स्थगित किया जाता है। भारत सरकार की गाइडलाइन के अध्ययन के बाद बैठक कर निर्माण कार्यों को प्रारंभ करने की तिथि की सूचना दी जाएगी। केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। मैं सभी प्रदेशवासियों में आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की गई। आप सभी से अपील करता हूं कि देश के हित में और देशवासियों के हित में माननीय प्रधानमंत्री जी का फैसला, माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा अति आवश्यक है। मेरी आप सभी से अपील है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 7 आग्रह किए हैं उसका पालन करिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जो निर्माण समिति के अध्यक्ष के नाते कल हुई बैठक में 15 अप्रैल से निर्माण कार्य प्रारंभ करने वाले थे, उसे तत्काल प्रभाव से रोका जाता है। कल भारत सरकार की गाइडलाइन प्राप्त होने के बाद उसका अध्ययन किया जाएगा और अध्ययन करके पुनः निर्माण समिति की बैठक कर निर्माण कार्य कब से प्रारंभ किया जाए इसकी घोषणा की जाएगी। देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अचानक बढ़ी है। मेरी आप सभी लोगों से अपील है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अपील है कि लॉकडाउन का अच्छा सा पालन करें, अपने जीवन को दांव पे लगा करके चिकित्सक से लेकर के सफाई कर्मचारी तक, पुलिस के अधिकारी से लेकर के पुलिस के जवान तक, प्रदेश स्तर के अधिकारी से लेकर के ग्राम स्तर के हमारे अधिकारियों तक, कर्मचारियों तक लगातार बहुत सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। इन सबका सहयोग करें। इन मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी का बड़ा कारण तबलीगी जमात के लोगों का छुपे होने की वजह है। आप सबका सहयोग बहुत आवश्यक है। मैं मानता हूं कि इस देश